हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आज मैं आप लोग के साथ अपना तीज मेकअप लुक शेयर करूंगी, जो कि मैंने तीज में कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बहुत सिंपल सा, सटल सा और बहुत इजी वे में मेकअप की हूं, तो मैं सोची आप लोग से ट्यूटोरियल शेयर करना तो बनता है। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं बहुत सिंपल सा साड़ी पहनी हूँ और सटल सा मेकअप की हूँ और अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनकर अपने लुक को इन्हेंस की हूँ। यहाँ पर मैं अभी आपको अपना मेहंदी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं मेरा मेहंदी का कलर भी बहुत सुंदर आया है। साथ ही में अभी मैं आपको अपना थोड़ा रिंग्स भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे रिंग्स पहनना बहुत पसंद है। तो चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सो सबसे पहले, अगर आप मेरा तीज का ब्लॉग अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया था, बहुत अच्छे से हमारा पूजा हुआ था। सब भाभी लोग इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतना सुंदर सुंदर सब लोग साड़ी वेयर किए थे, ज्वेलरी वेयर किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग जरूर जाकर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश की हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो, या फिर आप नॉर्मल गुलाब जल भी यूज़ कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। एंड उसके बाद भर भर के मॉइस्चराइज की, और उसको मैं 5 मिनट के लिए हमेशा ब्रेक लेती हूँ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। उसके बाद फिर प्राइमर तो ज़रूर अप्लाई करना है, आपको स्किप नहीं करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लिक्विड फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो थोड़ा ग्लोई टाइप का है, देख सकते हैं लगाने के बाद इस तरीके से ग्लो कर रहा है मेरा स्किन। बट मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि डे में भी मैं मेकअप कर रही हूँ तो ये ना बाद में ख़राब हो जाएगा, बट सेट कर लेंगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लूज पाउडर लगाया है अपने फेस को बेक करने के लिए, और हम मैं आई मेकअप स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट पैलेट ली हूँ, जो कि आजकल मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ हर वीडियो में बता रही हूँ, और आप लोग एक बार मेरे कहने पे मंगा के भी देखो, आप लोगों को पर्सनली बहुत पसंद आएगा। एंड उसके एकदम सिंपल सा मैंने आई मेकअप किया, एक ट्रांजिशन कलर लेकर अपनी ट्रांजिशन लाइन पर लगाई हूँ, वाटर लाइन पर थोड़ा सा लगा दी हूँ, और उसके बाद मैंने गोल्डन सेट लेकर अपना आई मेकअप कंप्लीट किया। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा ऑटो फोकस करना है तो आप ग्लिटर ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप करिए, बस लाइनर और मस्कारा लगा लीजिए, तो आपका आई मेकअप बहुत झटपट हो जाएगा, बहुत सुंदर भी लगता। तो मुझे थोड़ा पॉपअप करना था इसलिए मैं ग्लिटर ऐड की, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैं टू फेस का हाइलाइटर ली हूँ और उसको इनर कॉर्नर और वाटर लाइन पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं यहाँ पर एकदम पतला सा आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉल्स लेसेस लगाना है। डायरेक्ट फॉल्स लेसेस लगाने से क्या होता है, वो एक टाइम के बाद ना निकल जाता है, बट अगर आप पतला सा लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर फॉल्स लेसेस लगाते हो ना, तो लंबे समय के लिए स्टिक रहता है। अगर आप फॉल्स लेसेस नहीं लगाते हो तो विंग लाइनर लगाइए, बहुत खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद हल्का हल्का सा मस्कारा लगा ली, और अभी मैं अपना आईब्रोज को फिल कर रही हूँ पैक का आईब्रो किट से। एंड अभी मीडियम साइज का मैं बिंदी लगाऊंगी, बड़ा बिंदी भी ना तीज त्यौहार में बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करके देखिएगा, बट मैं मीडियम ही लगाई। और अभी मैं अपना फेवरेट ब्लश लगा रही हूँ, जो कि मैक का है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सटल सा ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि डे का टाइम है ना, तो ज़्यादा मतलब होता है ना, जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, उसको लगाइए ठीक, बट उसको ब्लेंडिंग इतना अच्छे से करिए ना कि वो आपके फेस पे एकदम सेट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे हाइलाइटर ही लगा रही हूँ, तो एकदम हल्का हल्का सा हाइलाइटर लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ, जो कि पता भी नहीं चल रहा है और मेरा स्किन ग्लो भी कर रहा है। कैमरा में उतना नहीं दिख रहा है, बट सामने से ग्लो कर रहा था। और अब बारी है फॉल्स लेसेस का, तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा लिया, देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एकदम मेकअप का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो होता है लिपस्टिक। अगर आप ऐसे मेकअप नहीं भी करना पसंद करते हो तो आप सिर्फ सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक लगा लो, तो आपको लगेगा कि आपने मेकअप किया है। वैसे ही अगर आप मेकअप करते हो उसके बाद लिपस्टिक लगाते हो ना, तो पूरा मेकअप का लुक ही चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मैं दो तरह का लिपस्टिक लेकर आई हूँ, एक लाइट पिंक कलर का है सुगर पॉप का, और एक न्यूड कलर का है पारुल गर्ल का, और उसको मैं दोनों मिक्स करके लगा दी। और आउटलाइनर में लगा रही हूँ रेड कलर का, और आउटलाइन करने के बाद इसको हल्का हल्का से स्मच कर देंगे, पता नहीं चलना चाहिए कि ऊपर से लगाए हैं। एंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इतना सुंदर लगता है ना ऐसे लिपस्टिक लगाने में, और डार्क कलर का साड़ी पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने अपना ब्लाउज वेयर कर लिया, जिसमें अनलिमिटेड हुक दिया हुआ था। एंड उसके बाद बारी है हेयर स्टाइल का, तो मैंने कुछ इस तरीके से सिंपल सा हेयर स्टाइल की हूँ, हमेशा मैं सीधा कर लेती हूँ, तो मैं सोची आज कुछ ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर मैं साड़ी भी वेयर कर ली, अपना ज्वेलरी वेयर कर ली, अब बस टीका और नथ बाकी है, और टीका नथ के साथ मेरा लुक भी हो जाता है कम्प्लीट। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना मेरा ये सिंपल सटल सा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही में पूजा के बाद का भी मैं एक दो फोटो अपलोड कर दी हूँ, देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।